हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। जो प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये 412 गज में बना हुआ एक मकान है। और मकान नहीं, इसे पूरा कोठी बोलेंगे। काफी बढ़िया है, इसका अंदर पूरा स्पेस काफी मिल रहा है। इसका जो फ्रंट आ रहा है वो 61 का आ रहा है, जो डेप्थ आ रही है 60 की आ रही है। इसके अंदर आपको पूरी काफी बड़ी पार्किंग मिलेगी, आप आराम से दो गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा गार्डन भी है। और इसके अंदर आपको 3 बेडरूम मिल रहे हैं, और एक स्टोर मिलेगा, एक पूजा रूम मिलेगा, एक पूरा मॉडुलर किचन मिलेगा। डाइनिंग एरिया रहेगा, वो काफी स्पेसियस दिया हुआ है, तो आपको काफी स्पेस मिलने वाला है। जो प्रॉपर्टी है वो चारों तरफ से ओपन है। और इसकी लोकेशन की बात करो, लोकेशन आ रही है सहजधारा रोड पे। तो सहजधारा रोड से आपको लगेगा होगा कि वहां पे आपको एनवायरमेंट भी काफी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप कोई बड़े बजट की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी दिखाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी प्रॉपर्टी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और एक चीज और बता दूं, जब भी कोई प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी के पेपर जरूर चेक करवाएं, उससे आप प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सामने से 25 फीट की रोड आ रही है, और यहाँ से सहधारा रोड मात्र 400 मीटर होगा। और ये प्रॉपर्टी है, पूरे 413 गज में है। ये देख सकते हैं सामने इसमें स्टील का गेट लगा हुआ है, तो आपको कोई जंग लगने का कोई खतरा नहीं है। अंदर से दिखा दूँ, ये पार्किंग देख सकते हैं, पूरी पूरी काफ़ी बड़ी पार्किंग है। आपकी बड़ी कार और साथ में टू व्हीलर्स भी आ जाएंगे। और ये एरिया, इसमें आपको गार्डन का मिलेगा, यहाँ पे आप अपने के लिए बैठने के लिए बना सकते हैं। और ये पूरा आपको चारों तरफ से ओपन है, देख सकते हैं इसमें 3-3 फीट चारों तरफ से इसको छोड़ा हुआ है। तो चलिए अंदर से देखते हैं। यहाँ से इसका एंट्री रहेगा, देख सकते हैं कि इसका पूरा हॉल है, और इसमें भी आपको पूरा फोर सीलिंग का काम मिल रहा है। और ये जो एरिया रहेगा, ये आपका डाइनिंग एरिया रह सकता है, क्योंकि सामने किचन है, देख सकते हैं। और इस पर भी आपको पूरा फोर सीलिंग मिल रहा है, तो काफ़ी एरिया मिल रहा है आपको इस एरिया में भी। और यहाँ से किचन स्टार्ट करता हूँ। पहले किचन देख सकते हैं, यू शेप में है, पूरा मॉडुलर किचन है। ये चिमनी के लिए जगह छोड़ रखी है यहाँ पे। और ये जो विंडो है, ये आपके ठीक गेट के सामने है, तो जो भी बाहर आएगा तो वो दिख सकता है आपको। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी फोर सीलिंग का काम करवा के रखा हुआ। स्टोरेज भी दिखा देता हूँ, ये अपना पेंट्री का जो सामान रहेगा वो इस पर रख सकते हैं, पूरा नीचे तक है स्टोरेज की पूरी। आपको कोई दिक्कत होगी आप अपना ओवन लगा सकते हैं आप। और जो ये सिंक भी दिखा रहा हूँ, सिंक भी देख सकते हैं आप, ब्रांडेड लगा हुआ है, एंटी साउंड वाला है, तो आपको पूरी चीज़ें इस पर ब्रांडेड ही मिलेंगी। और ये जो ये एरिया छोड़ा हुआ है, फ्रिज के लिए छोड़ा हुआ है। और ये है जो आप सबको अपना पूजा रूम बना सकते हैं, यहाँ पे पूजा के लिए है। अब इसके मैं आपको पहले बेडरूम, चलो स्टोर से स्टार्ट करते हैं। ये इसका स्टोर रहेगा, इसमें भी खिड़की है, फोर सीलिंग का काम इससे भी दे रखा है। या आप बच्चों के लिए स्टडी रूम भी बना सकते हैं इसे। और ये रास्ता जो रहेगा, यहाँ से आप छत पे जा सकते हैं, इसका एंट्री वहाँ से भी है। इसको मैं अपनी बात में आपको दिखाता हूँ। अब इसका बेडरूम देख लेते हैं, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, तो इसमें भी फोर सीलिंग का काम है। सामने पूरी खिड़कियाँ लगी है, लकड़ी की खिड़कियाँ हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर स्लाइडिंग वाला दरवाजा लगा रखा है इन्होंने। और ये यहाँ पे आप इसकी कलमारी कलर बनवा सकते हैं, ये पूरा एरिया छोटा हुआ है इसलिए। और ये इसका टॉयलेट रहेगा, आप देख सकते हैं इसमें जो सामान लगा हुआ है, सारी अच्छी कंपनी का लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आपको वॉश बेसिन भी दिया हुआ है। और आप टाइल्स का वर्क देख सकते हैं, पूरा टॉप तक है, तो आपको कोई सीलिंग का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और वहाँ पे रोशनदान छोड़ ही रखा है आपके लिए। यहाँ से मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम में ले जाता हूँ। ये इसका सेकंड बेडरूम है,
इसमें भी देख सकते हैं फोर सीलिंग का पूरा काम है और इसके साथ भी अटैच टॉयलेट मिलेगा आपको। एक सामने इसमें फर्स्ट फ्लोर वॉशिंग है, सीट वेस्टर्न सीट है, टाइल्स का काम भी इसमें टॉप तक है। और इसका थर्ड बेडरूम दिखा देता हूँ, पूरे तीन ही बेडरूम्स मिल रहे हैं इसमें। ये इसका थर्ड बेडरूम है, ऊपर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसको ऊपर पूरा फोर सीलिंग का काम इसमें भी हो रहा है। और ये इसका बाथरूम है, इसमें पूरा वुडन टाइल्स लगा हुआ है, देख सकते हैं पूरा नीचे भी वुडन टाइल्स लगा हुआ है, जो वुडन टाइल्स के शॉकिंग है उनके लिए काफी अच्छा है। अब मैं इसका आपको यहाँ से छत पे जाने का रास्ता दिखा देता हूँ। ये इस एरिया को आप अपने स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं पूरा, और यहाँ से इसका ये रास्ता आपके लिए बाहर गैलरी भी खुल जाएगा। हाँ सर, इसके टॉप पे जा सकते हैं, ये छत है। ये पूरा यहाँ से छत से व्यू है आस पास का, माउंटेन व्यू भी है यहाँ से, कोने का मकान है। ये इसके पीछे से सोसाइटी है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है और आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्कशन है और आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक किया, हम आपको इसका विजिट करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।